तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल पर हुए विवाद के बाद अब प्रशासन ने कहा कि प्रसाद की पवित्रता बहाल कर दी गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD ने कहा कि अब प्रसाद पूरी तरह से पवित्र और बेदाग है। बता दें कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले तेल का इस्तेमाल होने का पता चलने के बाद से आंध्र प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। यहाँ TDP और BJP इस अपराध के लिए लगातार जगन मोहन रेड्डी सरकार पर हमले कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद लड्डू के प्रसाद के रूप में वितरण पर रोक लगा दी गई थी। केंद्र सरकार ने भी आंध्र प्रदेश सरकार से तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर हुए विवाद पर रिपोर्ट मांगी है और जांच के बाद उचित कार्रवाई का वादा किया है। शुक्रवार को प्रयोगशाला रिपोर्ट का हवाला देते हुए TTD ने कहा कि घी में चर्बी और अन्य अशुद्धियां पाई गई हैं। TTD के कार्यकारी अधिकारी जे श्याम मला राव ने कहा कि प्रयोगशाला जांच में चयनित नमूनों में पशु चर्बी की मौजूदगी का पता चला है और बोर्ड मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डालने की प्रक्रिया है। आपको बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमाला पहाड़ी पर बना है। यह तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में खास तरह का लड्डू का प्रसाद मिलता है। मान्यता है कि इस प्रसाद के बिना बालाजी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मंदिर में ये लड्डू का प्रसाद बनाने का तरीका काफी अलग है। मंदिर में लड्डू निर्माण के समय पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। तिरुपति मंदिर में लड्डू पोटू एक रसोई घर है जहाँ पर लड्डू तैयार किए जाते हैं। बताया जाता है कि पहले प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1984 के बाद से इसके लिए LPG गैस का इस्तेमाल हो रहा है। माना जाता है कि लड्डू पोटू में रोजाना 8 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। मंदिर में रोजाना 620 कर्मचारी काम करते हैं। मौजूदा समय में प्रसाद में बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश मिलाया जाता है।